Swayam Prabha, Digital India, Educated India. नमस्कार मैं डॉक्टर दिग्विजय सिंह सहायक प्राध्यापक विधि एवं शासन प्रणाली पीठ दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय गया मेरे इस पाठ्यक्रम का शीर्षक है श्रम एवं औद्योगिक विधि भाग दो इस इस पाठ्यक्रम में आज हम जो व्याख्यान लेकर प्रस्तुत हुए हैं इस व्याख्यान का शीर्षक है वेतन का नियमित भुगतान और भुगतान करने का दायित्व सामान्यतः यह देखा जाता है कि अगर नियुक्ता पर कोई दायित्व तो अधरूपित न किया जाए या इसके लिए कोई प्रावधान न किया जाए तो नियुक्ता वेतन के भुगतान करने में बहुत ज़्यादा विलम्ब करता है और ऐसे किसी विलम्ब की स्थिति में कर्मचारी के संदर्भ में एक आर्थिक असुरक्षा की स्थिति पैदा होती है तो ऐसी स्थिति से निपटने के लिए एक सामाजिक सुरक्षा कानून के रूप में आ, एक अधिनियम बनता है जिसका नाम है वेतन भुगतान अधिनियम 1936। इस व्याख्यान का उद्देश्य है मजदूरी के भुगतान को विनियमित करना और इसके विनियमन की आवश्यकता क्यों है इस व्याख्यान का यह भी उद्देश्य है कि हम इस अधिनियम के तहत मजदूरी की परिभाषा को जानें और उस परिभाषा के तहत जो निर्धारित मजदूरी है उसके भुगतान की बात करें इस व्याख्यान में मजदूरी के भुगतान के लिए उत्तरदायित्व के निर्धारण का भी प्रावधान किया गया है किसी भी मजदूरी के भुगतान के लिए कौन उत्तरदायी होगा नियोक्ता या कोई अन्य व्यक्ति मजदूरी के भुगतान के लिए उत्तरदायी होंगे। इस प्रश्न को हम लोग इस व्याख्यान में परीक्षित करेंगे इसके साथ ही साथ मजदूरी की अवधि का निर्धारण कैसे किया जाना चाहिए मजदूरी की अवधि के निर्धारण के पश्चात उस अवधि के लिए मजदूरी के भुगतान का प्रश्न आता है तो सबसे पहले हमें यह देखना है कि मजदूरी की अवधि क्या है और उस अवधि का निर्धारण कैसे किया जाता है इसके पश्चात हमें यह जानना है इस व्याख्यान में कि मजदूरी के भुगतान का समय क्या है किसी एक नियोजन में किसी कर्मचारी को जो मजदूरी का भुगतान किया जाना है ऐसा भुगतान कब किया जाएगा वह समय क्या है इसके पश्चात हमें मजदूरी के भुगतान के दौरान प्राधिकृत कटौतियों के बारे में चर्चा करनी है जिसे कि मजदूरी की परिभाषा के अंदर रखा गया है और नियुक्ता को प्राधिकृत किया गया है कि वह ऐसी कटौतियां कर सकता है हम उस कटौतियों की विस्तृत में चर्चा करेंगे इस अधिनियम के तहत प्राधिकृत कटौतियां कौन कौन सी हैं उसकी हम चर्चा करने के पश्चात अंत में इस व्याख्यान में हम कटौती या भुगतान में देरी से उत्पन्न होने वाले विवाद के निपटारे की बात करें भारत में 1936 में एक अधिनियम बना जिसका नाम था मजदूरी भुगतान अधिनियम यह अधिनियम उद्योगों में कार्यरत कर्मचारियों के कुछ वर्गों के लिए मजदूरी के भुगतान को विनियमित करने के लिए बनाया गया था इसका सामान्य सा अर्थ यह है कि इस अधिनियम के लागू होने से पूर्व इस अधिनियम के बनने से पूर्व जो मजदूरी का भुगतान था उसका विनियमन नहीं था अर्थात किसी मजदूरी के भुगतान में पूरी स्वतंत्र नियोक्ता के पास थ्री उसमें कितना देरी करना है भुगतान कब करना है उसमें कितनी कटौतियां करनी हैं ये सारा का सारा प्रश्न केवल और केवल नियोक्ता के द्वारा आ, आ, निर्धारित किया जाता था ऐसी स्थिति में हमारे लिए आवश्यक था कि सामाजिक सुरक्षा के संकल्पना के संदर्भ में मज़दूरी के भुगतान को विनियमित किया जाए क्योंकि अगर किसी कर्मचारी को मजदूरी का भुगतान उचित समय पर नहीं किया जा रहा है तो ऐसे में उस कर्मचारी के लिए एक आर्थिक और सुरक्षा की स्थिति पैदा होती है और इससे निपटने के लिए हमें सामाजिक सुरक्षा कानूनों की आवश्यक है यह अधिनियम बिना किसी अनधिकृत कटौती के एक विशेष रूप में नियमित अंतराल पर मजदूरी के भुगतान का प्रावधान करता है अर्थात मजदूरी का भुगतान एक नियमित अंतराल पर और बिना किसी अनधिकृत कटौती के किया जाना चाहिए यह अधिनियम कर्मचारियों के उनकी नियोक्ताओं द्वारा मजदूरी भुगतान के मामले में शोषण से रक्षा करता है अगर नियोक्ता जिसकी प्रास्थिति बहुत उच्च होती है बहुत मजबूत होती है वह अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करके अगर किसी उद्योग में कार्यरत कर्मचारियों को समय पर भुगतान नहीं करता है और कर्मचारियों की तरफ से कोई सामूहिक सौदेबाजी न होने की स्थिति में वह इसके विरुद्ध लड़ नहीं पाते हैं तो ऐसी स्थिति में राज्य की जो भूमिका है वह महत्वपूर्ण हो जाती है और राज्य विधि बना के अपनी भूमिका का निर्वहन करता है और भुगतान मजदूरी के भुगतान को विनियमित करता है यह अधिनियम यह सुनिश्चित करता है कि Osionfish. किसी भी मजदूरी का भुगतान एक निश्चित समय पर किया जाए निश्चित समय पर मजदूरी का भुगतान इस अधिनियम का एक मूलभूत उद्देश्य है इस अधिनियम में मजदूरी के भुगतान के लिए एक निश्चित समय बताया गया है और नियोक्ता के ऊपर यह दायित्व अधिरोपित किया गया है कि नियोक्ता उस निश्चित समय पर ही मजदूरी का भुगतान करेगा इसके पश्चात इस अधिनियम में उचित राशि के भुगतान की भी व्यवस्था की गई है सामान्यतः यह देखा गया था पूर्व में यह देखा गया था कि नियोक्ता अनेक प्रकार के कटौतियों का बहाना बना करके जो कर्मचारी है उसकी मजदूरी से अधिक राशि कटौती के रूप में रख लेता था तो ऐसे में यह सुनिश्चित किया जाना आवश्यक हो गया था कि क्या राशि है जो किसी नियोक्ता के द्वारा किसी कर्मचारी को दिया जाना है और उसका भुगतान सुनिश्चित किया जाए ऐसी स्थिति में उचित राशि क्या है इसका निर्धारण किया जाना आवश्यक है ऐसी स्थिति में उचित राशि क्या है इसका निर्धारण किया जाना आवश्यक है इसके साथ ही साथ ही इस अधिनियम का यह भी उद्देश्य है कि यह देखे कि वह कौन सी कटौतियां हैं जो अधिकृत हैं या वह कौन सी कट कटौतियाँ हैं जो अनधिकृत हैं अनधिकृत कटौतियों के संदर्भ में किसी नियोक्ता को यह प्राधिकार नहीं प्राप्त है कि वह उन कटौतियों को किसी कर्मचारी के मजदूरी के भुगतान से करे तो कटौतियों को लेकर के प्रावधान बनाया गया है वह कौन सी कटौतियां हैं जिसके लिए नियोक्ता को प्राधिकृत किया गया है नियोक्ता केवल उन्हीं कटौतियों का भुगतान से पहले कटौती कर सकता है अन्य किसी कटौती का वह अनाधिकृत कटौती का कटौती नहीं कर सकता इसके साथ ही इस अधिनियम में मज़दूरी के भुगतान की प्रक्रिया को निर्धारित किया गया है मजदूरी का भुगतान कैसे किया जाएगा यह भी एक प्रश्न है जिसका उत्तर हमें इस अधिनियम में मिलेगा अधिनियम के अन्य प्रावधानों को जानने से पहले हम इस अधिनियम के तहत मजदूरी शब्द की जो परिभाषा दी गई है, उस परिभाषा को जानने का प्रयास करेंगे क्योंकि उसी मजदूरी के भुगतान को लेकर के फिर हम आगे के प्रावधान का व्याख्या करेंगे इस अधिनियम में धारा दो चार में मजदूरी शब्द को परिभाषित किया गया है धारा दो चार मजदूरी शब्द को परिभाषित करता है मजदूरी शब्द में सम्मिलित है सभी पारिश्रमिक चाहे वेतन भत्ते के रूप में या अन्यथा जो धन के रूप में व्यक्त किया जा सके तो यहाँ दो शब्द हमारे लिए महत्वपूर्ण है एक पारिश्रमिक और दूसरा धन के रूप में व्यक्त किया जाना नियोक्ता के द्वारा कर्मचारी को दिया जाने वाला कोई भी भुगतान जो पारिश्रमिक के रूप में है पारिश्रमिक से तात्पर्य यहाँ पर है जो कर्मचारी द्वारा किए गए कार्य के बदले में या उसके द्वारा दी गई सेवाओं के बदले में उसे प्रदान किया जाता है ऐसे किसी पारिश्रमिक को हम मजदूरी मानते हैं इसके साथ ही साथ यह भी आवश्यकता है कि ऐसा कोई भी पारिश्रमिक धन के रूप में व्यक्त किए जाने योग्य हो अगर ऐसा कोई पारिश्रमिक धन के रूप में तो व्यक्त नहीं किया जा सकता तो फिर उसे मजदूरी की परिभाषा में सम्मिलित नहीं किया जाएगा इस तरह हम ये देखते हैं कि किसी पारिश्रमिक का धन के रूप में व्यक्त होना आवश्यक है इसके पश्चात हम यह भी जानते हैं कि मजदूरी का भुगतान जो पारिश्रमिक है उस पारिश्रमिक का भुगतान जिसे मजदूरी का अमूल घटक माना गया है उस पारिश्रमिक का भुगतान हमेशा और हमेशा जो नियोजन की संविधा है उस संविधा के शर्तों के अधीन जो कार्य किसी कर्मचारी को करना है उस कार्य के करने के उपरांत उसका भुगतान किया जाता है अर्थात पारिश्रमिक के भुगतान की स्थिति तब आती है जब नियोजन के अनुबंध के अधीन कर्मचारी ने अपने कार्य का निष्पादन कर दिया है या अपनी सेवाओं को प्रदान कर दिया उसके बाद उसे भुगतान किया जाता है अगर हम देखते हैं तो मजदूरी शब्द में विभिन्न चीजों को सम्मिलित किया गया है धारा दो चार बहुत व्यापक है और यह बताता है कि इसमें क्या क्या चीजें सम्मिलित हैं इसमें पहला है किसी पुरस्कार या निपटान के तहत दिए कोई पारिश्रमिक अगर कोई निर्णय है उस निर्णय के अधीन या कोई विवाद था उस विवाद के अधीन न्यायालय का निर्णय आता है उस निर्णय के अधीन नियोजक को यह निर्देशित किया जाता है कि वह अपने कर्मचारी को एक एक पर्टिकुलर राशि एक विनिर्दिष्ट राशि का भुगतान करेगा तो ऐसा भुगतान भी उसके मजदूरी की परिभाषा में सम्मिलित माना जाता है इसके पश्चात पारिश्रमिक जिसके लिए नियोजित व्यक्ति ओवर टाइम या छुट्टियों या किसी छुट्टी अवधि के संबंध में हकदार है उसे भी मजदूरी का भाग माना गया है जब भी कोई व्यक्ति अपने कार्य के घंटों के अतिरिक्त कार्य करता है समय के अतिरिक्त कार्य करता है तो उसे उस अतिरिक्त कार्य के लिए भुगतान दिया जाता है अतिरिक्त कार्य के लिए दिया जाने वाला भुगतान भी उसके मजदूरी का भाग होगा और और वह मजदूरी की परिभाषा में सम्मिलित किया गया है इसके पश्चात हम यह देखते हैं कि रोजगार की शर्तों के तहत दिए कोई अतिरिक्त पारिश्रमिक चाहे उसे बोनस कहा जाए या किसी अन्य नाम से जाना जाए ऐसा कोई भी पारिश्रमिक मजदूरी शब्द की परिभाषा में सम्मिलित है तो अगर कोई बोनस या कोई अन्य शब्द जहाँ पर यूज किया जा रहा है जिसके माध्यम से रोजगार की शर्तों के तहत किसी कर्मचारी को, को कोई पारिश्रमिक प्रदान किया जा रहा है तो वह पारिश्रमिक मजदूरी की परिभाषा में सम्मिलित है मजदूरी के परिभाषा में ऐसी कोई राशि भी सम्मिलित है जो नियोजित व्यक्ति के रोजगार की समाप्ति के कारण किसी विधि अनुबंध या लिखत के अधीन दिए हैं अर्थात जब किसी कर्मचारी के नियोजन की संविदा को समाप्त किया जाता है और संविदा के समाप्त के उपरांत ऐसा कर्मचारी किसी विधि के अधीन या किसी अनुबंध के अधीन या किसी दस्तावेज़ लिखत के अधीन ऐसी किसी भुगतान का हकदार है तो यह भुगतान भी उसकी मजदूरी का भाग माना गया है इसके पश्चात ऐसी कोई राशि जिसके लिए नियोजित व्यक्ति तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन बनाई गई किसी स्कीम के अधीन हकदार है उसे भी उसकी मजदूरी का भाग माना जाएगा अर्थात यहाँ पर जो अंतिम यहाँ पर प्रावधान दिया गया है वह प्रावधान यह है कि अगर उपयुक्त सरकार विधि के माध्यम से अगर यह उपबंध करता है कि नियोक्ता के द्वारा कर्मचारी को दिया जाने वाला एक विशिष्ट प्रकार का भुगतान मजदूरी माना जाएगा तो ऐसी स्थिति में वह भुगतान मजदूरी का भाग बन जाएगा और मजदूरी का भाग बनते ही मजदूरी के भुगतान से संबंधित जो प्रावधान हैं वह प्रावधान उस नियोक्ता पर लागू होंगे लेकिन साथ ही इस, साथ इस धारा में धारा दो चार में यह भी बताया गया है कि कौन कौन से भुगतान या कौन कौन से चीज़ें मजदूरी की परिभाषा में सम्मिलित नहीं की गई अगर हम उन उन बिंदुओं की चर्चा करें तो उसमें ऐसा कोई भी बोनस चाहे वह लाभ की साझधारी की योजना के तहत हो या अन्यथा जो रोज़गार की शर्तों के तहत दे पारिश्रमिक का हिस्सा नहीं है तो अब अब हमें यहाँ पर यह स्पष्ट करना पड़ेगा कि अगर कोई बोनस जो पारिश्रमिक का हिस्सा है उसे मजदूरी का भी हिस्सा माना जाएगा और अगर कोई बोनस जो पारिश्रमिक का हिस्सा नहीं है और पारिश्रमिक के रूप में उसका भुगतान नहीं किया जाता है उसे उस भुगतान के संदर्भ में मजदूरी नहीं माना जाएगा तो जो बोनस शब्द है बोनस शब्द वह एक मजदूरी का भाग हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है इसके लिए जो निर्धारक अवयव है वह है है, कि क्या ऐसा बोनस पारिश्रमिक के बदले दिया जा रहा है या फिर अन्यथा प्रदान किया जा रहा है इसके पश्चात इसमें ऐसा कोई भुगतान भी सम्मिलित नहीं है जो किसी पक्ष या अदालत के आदेश के बीच किसी निर्णय या निपटान के तहत देय नहीं है हमने ऊपर देखा कि किसी निर्णय के अधीन अगर न्यायालय के निर्णय के अधीन नियोक्ता कोई कोई भुगतान करने के दायित्व के अधीन है और नियोक्ता उस दायित्व के निर्वहन के अधीन भुगतान करता है किसी कर्मचारी को तो वह भुगतान उसकी मजदूरी का भाग माना जाएगा लेकिन नियोक्ता के द्वारा कोई ऐसा भुगतान कर्मचारी को किया जाता है जो कि ऐसे किसी अदालत के आदेश के अधीन नहीं है तब ऐसा कोई भी भुगतान उसकी मजदूरी का भाग नहीं माना जाएगा अर्थात यहाँ पर देखना आवश्यक यह है कि वह भुगतान न्यायालय के किसी निर्णय के अधीन है या फिर अन्यथा है इसके पश्चात मजदूरी की गणना करने में अन्य चीज़ों को जो बाहर रखा गया है उसमें है मजदूरी की गणना से बाहर रखे गए किसी आवास पानी चिकित्सा या अन्य सुविधा की आपूर्ति या फिर किसी सेवा का मूल्य नियोक्ता के द्वारा अपने कर्मचारी को आवास की सुविधा प्रदान की जाती है उसे पानी की आपूर्ति दी की जा सकती है उसे चिकित्सा सुविधा प्रदान किया जा सकता है या फिर उसे अन्य सुविधाओं की आपूर्ति प्रदान की जा सकती आपूर्ति की जा सकती है ऐसी स्थिति में अगर यह उपबंध है कि ऐसी कोई भी सुविधा और इसका मूल्य न्यूनतम मजदूरी की गणना करने में आ, 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 सहयोगी नहीं होगी न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण में इन सुविधाओं का इन सुविधाओं के मूल्य को ध्यान में नहीं रखा जाएगा तो ऐसी स्थिति में जो मजदूरी की गणना की जाएगी उसमें इन सुविधाओं के मूल्य को बाहर रखा जाएगा इसके पश्चात नियोक्ता द्वारा किसी पेंशन या भविष्य निधि में दिया गया कोई भी अंशदान और उस पर उपार्जित व्यय मजदूरी का भाग नहीं होगा भविष्य निधि में दिया गया कोई अंशदान और उस पर उपार्जित कोई ब्याज अगर ऐसा कोई भुगतान नियोक्ता के द्वारा किया जा रहा है तो यह भुगतान मजदूरी का भाग नहीं होगा अर्थात अगर भविष्य निधि में जो भुगतान किया जा रहा है और वो भुगतान नियोक्ता के द्वारा किया जा रहा है नियोक्ता केवल अपने अंश का भुगतान कर रहा है तो यह भुगतान मजदूरी का भाग नहीं है साथ ही साथ हम यह भी जानते हैं कि उस भविष्य निधि में एक अंशदान कर्मचारी का होता है और कर्मचारी का जो अंशदान होता है वह उसकी मजदूरी का भाग होता है वह उसकी मजदूरी से ही निकल कर आता है तो ऐसे में यह समझना आवश्यक हो जाता है कि भविष्य निधि में दिया जाने वाला अंशदान किसकी किसके द्वारा दिया गया है अगर वह कर्मचारी के द्वारा दिया गया है तो वह कर्मचारी की मज़दूरी में से ही दिया जाता है उसका भाग है लेकिन अगर वह नियोक्ता के द्वारा दिया जाता है तो वह नियोक्ता के द्वारा दिए जाने के उपरांत कर्मचारी की मजदूरी का भाग नहीं बनता है इसके पश्चात हम यह भी देखते हैं कि अगर नियोक्ता के द्वारा कर्मचारी को कोई यात्रा भत्ता या किसी यात्रा के रियायत का मूल्य दिया गया है तो यह रियायत का मूल्य या फिर यात्रा की जो भत्ता है यह भी उसकी मजदूरी में सम्मिलित नहीं की गई है अर्थात किसी कर्मचारी के मजदूरी के भुगतान के दौरान जब भुगतान मजदूरी का निर्धारण किया जाएगा तो उसमें ऐसा कोई भी जो मूल्य है रियायत का मूल्य है वह सम्मिलित नहीं होगा इसके पश्चात नियोजित व्यक्ति को उसके रोजगार की प्रकृति के अनुसार विशेष व्यय का भुगतान करने के लिए दी गई कोई राशि अगर कोई कर्मचारी अगर वो सीमेंट के कारखाने में कार्य कर रहा है और सीमेंट के कारखाने में अगर सीमेंट प्रत्यक्ष रूप से आ, उसके शरीर के किसी भाग को स्पर्श करता है तो ऐसे में वहाँ पर त्वचा से संबंधित जो बीमारियाँ होती हैं उससे निपटने के लिए नियोक्ता यह उपबंध करता है कि ग्लव्स वगैरह यूज़ करने के लिए कर्मचारी को एक भुगतान किया जाएगा और कर्मचारी उस भुगतान के माध्यम से अपने लिए ऐसी व्यवस्था करेगा तो ऐसा भुगतान उस कर्मचारी के मजदूरी का भाग नहीं होगा और अंत में यह भी उपबंध किया गया है कि रोजगार की समाप्ति के पश्चात अगर ग्रेचुटी का प्रदान किया जा रहा है तो यह ग्रेचुटी उस किसी कर्मचारी जिसको यह ग्रेचुटी दी जा रही है उसकी मजदूरी का भाग नहीं होगा अर्थात ग्रेचुटी का जो निर्धारण किया जा रहा है या इसका जो भुगतान किया जा रहा है उसका मजदूरी के निर्धारण और भुगतान से कोई लेना देना नहीं है ऐसी ग्रेचुटी मजदूरी नहीं मानी जाएगी मजदूरी की परिभाषा एक विस्तृत परिभाषा समझने के पश्चात इसमें क्या सम्मिलित है इसमें क्या सम्मिलित नहीं है और इसका क्या अर्थ है यह जानने के पश्चात अब हमारे लिए जो आवश्यक प्रश्न है वह प्रश्न है यह जानना कि मजदूरी के भुगतान का दायित्व किसके ऊपर है अगर हम देखें तो इस अधिनियम के तहत प्रयुक्त प्रत्येक नियोक्ता की यह जिम्मेदारी होगी कि वह मजदूरी का भुगतान अधिनियम के उपबंधों के अधीन करे अर्थात यह बहुत ही स्पष्ट है कि मजदूरी का भुगतान हमेशा और हमेशा नियोक्ता के द्वारा किया जाएगा इसके पश्चात मजदूरी के भुगतान के लिए अगर हम नियोक्ता की बात करें तो जिसको ज़िम्मेदार बनाया गया है मजदूरी के भुगतान के लिए तो हमारे लिए यह देखना आवश्यक हो जाता है कि नियोक्ता के अर्थ के तहत कौन कौन सम्मिलित है किसे नियोक्ता माना जाएगा जिससे कि हम उसके इस दायित्व के निर्वहन के लिए इस दायित्व के निर्वहन के प्रवर्तन के लिए उपबंध बना सकें ऐसी स्थिति में यहाँ पर उपबंध यह किया गया है कि मजदूरी के भुगतान के लिए किसी कारखाने के संदर्भ में अगर कोई कर्मचारी किसी कारखाने में कार्य कर रहा है तो कारखाने के संदर्भ में जो कारखाने का प्रबंधक है उसे मजदूरी के भुगतान के लिए दायित्व के अधीन माना जाएगा वहाँ पर नियुक्ता से तात्पर्य उस कारखाने का जो प्रबंधक है वह इसके पश्चात अगर औद्योगिक या अन्य प्रतिष्ठानों में एक व्यक्ति जो औद्योगिक या अन्य प्रतिष्ठान के पर्यवेक्षक और नियंत्रक के लिए नियोक्ता के प्रति जिम्मेदार है उस व्यक्ति को मजदूरी के भुगतान के लिए उत्तरदायी माना जाएगा तो यहाँ पर यह देखना है कि किसी प्रतिष्ठान में पर्यवेक्षक और नियंत्रक की उस स्थिति में कौन है नियुक्ता की तरफ से कौन पर्यवेक्षक की भूमिका निभा रहा है या नियुक्ता की तरफ से कौन एक नियंत्रण की अथॉरिटी रखता है नियंत्रण का प्राधिकार रखता है ऐसा व्यक्ति मजदूरी के भुगतान के दायित्व के अधीन होगा इसके पश्चात जब हम रेलवे की बात करते हैं तो रेलवे में उस विशेष स्थानीय क्षेत्र के लिए रेलवे प्रशासक द्वारा नामित व्यक्ति को मजदूरी के भुगतान के लिए दायित्व के अधीन माना गया अर्थात रेलवे के संदर्भ में क्षेत्र विशेष के लिए जो व्यक्ति इसके लिए रेलवे प्रशासन के द्वारा नामित किया गया है उस व्यक्ति के द्वारा मजदूरी का भुगतान कर्मचारियों को किया जाएगा इसके पश्चात अगर हम एक स्वतंत्र ठेकेदार की बात करें तो स्वतंत्र ठेकेदार के संदर्भ में न्यूनतम मजदूरी के भुगतान का दायित्व किसके ऊपर है ठेकेदार के मामले में ठेकेदार द्वारा नियुक्त एक व्यक्ति जो सीधे उसके प्रभार के तहत है उसे किसी भी कर्मचारी के आ, मजदूरी के भुगतान के दायित्व के लिए चिन्हित किया गया है उसको उसके दायित्व के अधीन माना गया है और अन्य मामलों में नियोक्ता द्वारा कोई भी नियुक्त व्यक्ति नियोक्ता द्वारा नियुक्त व्यक्ति मजदूरी के भुगतान के दायित्व के अधीन होगा अगर हम नियुक्ता की बात करें तो नियुक्ता एक एक कंपनी के रूप में हो सकता है और उस कंपनी के रूप में होने के संदर्भ में प्रश्न यह उठता है कि मजदूरी के भुगतान का दायित्व किसके ऊपर होगा तो किसी कंपनी के संदर्भ में अगर मजदूरी के भुगतान के दायित्व हेतु तो किसी व्यक्ति का नियुक्त किया जाना है या किसी व्यक्ति को नियुक्त किया गया है तो ऐसा नियुक्त व्यक्ति इस दायित्व के अधीन होगा कि उस कर्मचार उस कंपनी के कर्मचारियों का वह मजदूरी का भुगतान करे इसके पश्चात अगर हम देखें ठेकेदार के मामले में एक समस्या उत्पन्न होती है जो एक स्वतंत्र ठेकेदार होता है वह किसी उद्योग में किसी व्यवसाय में जो जो उस व्यवसाय का प्रबंधन होता है या जो उसका नियंत्रक होता है उसको केवल एक कार्य शक्ति कार्यबल का सप्लाई करता है उसे वहाँ उसकी आपूर्ति करता है तो ऐसे में एक स्वतंत्र ठेकेदार यह कह सकता है कि वह सच्चे अर्थों में नियोक्ता नहीं है क्योंकि वह किसी कर्मचारी को, को कोई कार्य प्रदान नहीं करता है या फिर वह अपने दायित्व से आ, इस आधार पर बच जाता है कि उसके पास कर्मचारियों के न्यूनतम मजदूरी के भुगतान के लिए कोई साधन नहीं है ऐसी स्थिति में प्रश्न यह उठता है कि ऐसे कर्मचारियों को ऐसे श्रमिकों को जिनको स्वतंत्र ठेकेदार के द्वारा नियुक्त करके और, और किसी प्रबंधन को आपूर्तित किया जाता है तो क्या उन्हें इस अधिनियम का लाभ मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा ऐसी स्थिति में उपबंध यह किया गया है कि यदि ठेकेदार या नियोक्ता द्वारा नामित व्यक्ति ऐसा भुगतान करने में विफल रहता है तो इस अधिनियम के तहत आवश्यक सभी मजदूरी का भुगतान करना नियोक्ता की जिम्मेदारी होगी यह देखा जाता है कि स्वतंत्र ठेकेदार द्वारा आपूर्तित श्रमिक के संदर्भ में नियोक्ता द्वारा उस स्वतंत्र ठेकेदार को भुगतान किया जाता है और उस स्वतंत्र ठेकेदार के माध्यम से फिर मजदूरी का भुगतान श्रमिकों को कर्मचारियों को किया जाता है क्योंकि वहाँ नियोक्ता का भी ये तर्क है कि जो आ, श्रमिक उसे आपूर्तित किए गए हैं वह उसके द्वारा नियोजित श्रमिक नहीं है वो उसके कर्मचारी नहीं हैं ऐसे में आ, जो जो आ, आ, जो जो उद्योग है उसका जो प्रबंधन है वह सीधे के सीधे स्वतंत्र ठेकेदारों को भुगतान करता है और ठोक स्वतंत्र ठेकेदार तत्पश्चात अपने आ, सारे श्रमिकों को उस मजदूरी का भुगतान करता है ऐसी स्थिति में यहाँ पर एक स्पष्ट उपबंध है कि अगर स्वतंत्र ठेकेदार की स्थिति में कोई स्वतंत्र ठेकेदार अपने अपने श्रमिकों अपने कर्मचारियों को मजदूरी देने में असफल रहता है मजदूरी का भुगतान करने में असफल रहता है तो ऐसी स्थिति में मजदूरी के भुगतान का दायित्व तो नियोक्ता पर होगा और नियोक्ता को ऐसे श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान करना होगा मजदूरी की अवधि का निर्धारण हम सभी जानते हैं कि मजदूरी का जो भुगतान किया जाता है एक निश्चित अवधि के लिए मजदूरी का भुगतान किया जाता है यह अवधि दिन के आधार पर हो सकती है सप्ताह के आधार पर हो सकता है या महीने के आधार पर हो सकता है इस अधिनियम के तहत मजदूरी के भुगतान हेतु वेतन अवधि का निर्धारण किया गया है और यह वेतन अवधि धारा चार में दिया गया है इसके तहत मजदूरी के भुगतान के लिए ज़िम्मेदार प्रत्येक व्यक्ति मजदूरी अवधि तय करेगा जिसके संबंध में कोई मजदूरी दे होगी अर्थात यहाँ पर इस अधिनियम में नियोक्ता या कोई ऐसा व्यक्ति जो मजदूरी के भुगतान के दायित्व के अधीन है उस पर यह दायित्व अध्योपित किया गया है कि वह यह निर्णय ले कि न्यूनतम मजदूरी के भुगतान के लिए वह आ, वेतन की अवधि क्या होगी यहाँ पर स्पष्ट कहा गया है कि किसी भी परिस्थिति में जो वेतन की अवधि होगी वह एक माह से अधिक नहीं होगी अर्थात एक नियोक्ता जो वेतन की अवधि है जिसके लिए मजदूरी का भुगतान किया जाना है उसको दिन के आधार पर सप्ताह के आधार पर और अधिकतम महीने के आधार पर तय कर सकता है बट, कि, बट लेकिन किसी भी परिस्थिति में यह अवधि एक महीने से अधिक नहीं होनी चाहिए ऐसा स्पष्ट प्रावधान धारा चार में किया गया है इसके पश्चात धारा छः में मजदूरी के भुगतान के तरीके की चर्चा की गई है कि कोई भी जो मजदूरी है जिसका नियुक्ता के द्वारा कर्मचारी को भुगतान किया जाना है उसका भुगतान कैसे किया जाएगा मजदूरी का भुगतान धारा छः के अनुसार मजदूरी का भुगतान चालू सिक्के या करेंसी नोटों या चेक द्वारा या बैंक खाते में जमा करके किया जाएगा अर्थात यहाँ पर धारा छः के प्रावधानों से यह स्पष्ट है कि मजदूरी का भुगतान केवल वर्तमान समय में जब भुगतान किया जा रहा है उस दौरान जो करेंसी है जो सिक्के चालू प्रचलन में हैं या फिर चेक के द्वारा या बैंक में जमा करके ही प्रदान किया जा सकता है यहाँ पर कैश में भी भुगतान किया जा सकता है और उसके खाते में हस्तांतरित करके भी भुगतान किया जा सकता है यहाँ यह स्पष्ट है कि, कि किसी भी परिस्थिति में आ, मजदूरी का भुगतान किसी वस्तु के रूप में नहीं किया जाएगा सामान्यतः यह देखा गया था जब इस अधिनियम को बनाया जा रहा था तो इस अधिनियम की बनाने की पृष्ठभूमि जो थी वह यह थी कि ढेर सारे उद्योगों में नियोक्ता सामान्यतः अपने द्वारा नियोजित कर्मचारियों को वह वस्तुएं मजदूरी के रूप में प्रदान किया करते थे जो वस्तुएं उस उद्योग में उत्पादित होती थी जैसे अगर हम उदाहरण देखें तो अगर किसी कपड़ा मिल में कपड़ा उत्पादित किया जा रहा है और नियुक्ता के लिए यह बहुत ही सुविधाजनक और लाभदायक भी है कि वह अपने कर्मचारियों को मजदूरी के नाम पर हर महीने केवल कपड़े का भुगतान करे तो ऐसी स्थिति में सामान्य सा प्रश्न उठता है कि ऐसे कपड़ों का भुगतान का किसी कर्मचारी के लिए क्या औचित्य है क्या कर्मचारी उन कपड़ों से अपना जीवन निर्वाह कर पाएगा क्या वह उन कपड़ों से अपने अन्य आवश्यकताओं जो आर्थिक आवश्यकताएं हैं उसको पूरा कर पाएगा तो ऐसी स्थिति को ध्यान में रख के अधिनियम बनाया गया तो वहाँ स्पष्ट शब्दों में यह कहा गया कि धाराक्षा के तहत मजदूरी का भुगतान केवल चाल चालू सिक्के करेंसी चेक या बैंक खातों में हस्तांतरण के द्वारा ही किया जाएगा किसी अन्य माध्यम से मजदूरी का भुगतान नहीं किया जाएगा अब इसके पश्चात जो प्रश्न है वह प्रश्न है कि मजदूरी का भुगतान कब किया जाएगा वह समय क्या है जब मजदूरी का भुगतान किया जाएगा अधिनियम की पृष्ठभूमि में यह भी एक समस्या थी कि नियोक्ताओं के द्वारा अपने कर्मचारियों को एक नियमित समय पर एक नियमित अंतराल पर मजदूरी का भुगतान नहीं किया जा रहा था और और मजदूरी के भुगतान को कभी कभी जानबूझ करके नियोक्ता के द्वारा विलंबित किया जाता है ऐसी स्थिति में इस अधिनियम में यह उपबंध बनाया गया कि एक निश्चित दिन तक मजदूरी का भुगतान कर दिया जाना चाहिए और ऐसा उपबंध इस अधिनियम के धारा पाँच में दिया गया है प्रत्येक व्यक्ति के मजदूरी के भुगतान का समय धारा पाँच में दिया गया है और यह बताता है कि किसी भी रेलवे कारखाने या औद्योगिक या अन्य प्रतिष्ठान जिसमें एक हज़ार से कम व्यक्ति कार्यरत हैं वहाँ पर ऐसी मजदूरी का भुगतान सातवें दिन की समाप्ति से पहले किया जाना आवश्यक है अर्थात अगर मजदूरी का भुगतान महीने के आधार पर किया जाना है तो महीना बीतने के बाद अधिकतम सात दिनों के अंदर मजदूरी का भुगतान कर दिया जाना चाहिए यह, यह उपबंध उन उद्योगों में उन उन कारखानों में या फिर रेलवे में या प्रतिष्ठानों में लागू होता है जहां पर कर्मचारियों की संख्या एक हजार से कम है इसके साथ ही साथ किसी अन्य रेलवे कारखाने या औद्योगिक या अन्य प्रतिष्ठान को मजदूरी अवधि के अंतिम दिन के बाद दसवें दिन की समाप्ति से पहले भुगतान किया जाना विनिर्दिष्ट किया गया है अर्थात ऐसा कोई भी कारखाना ऐसा कोई भी उद्योग ऐसा कोई भी प्रतिष्ठान या रेलवे जहां पर एक हज़ार से अधिक कर्मचारियों को नियोजित किया गया है तो ऐसे संदर्भ में जो मज़दूरी की अवधि है उस अवधि के बीतने के पश्चात अगर वो अवधि एक महीने की है तो एक महीने के समय बीतने के पश्चात अधिकतम दस दिनों के अंदर उसकी मज़दूरी का भुगतान हो जाना चाहिए इसके पश्चात जब हम जेटी या खदान पर नियोजित व्यक्तियों के मामले में जहाज़ या वैगनों के लोड या अनलोड के अंतिम टन भार खाते के पूरा होने पर दिए मजदूरी की बात करते हैं तो ऐसी मजदूरी समाप्ति के दिन से सातवें दिन की समाप्ति के पहले भुगतान किया जाना आवश्यक है जहाँ पर किसी जहाज़ पर या वैगन पर लोडिंग और अनलोडिंग का काम किया जा रहा है तो वहाँ पर लोडिंग और अनलोडिंग का जो समय है उसके पूरा होने के पश्चात सात दिनों के अंदर भुगतान किए जाने का प्रावधान दिया गया है इसके पश्चात यह भी बताया गया है कि जहाँ किसी व्यक्ति को रोजगार नियोक्ता द्वारा या उसकी ओर से समाप्त कर दिया जाता है तो उसके द्वारा अर्जित मजदूरी का भुगतान उस दिन से दूसरे कार्य दिवस की समाप्ति से पहले किया जाए अब अब ऐसी स्थिति में जो एक अपवाद की स्थिति है कि अगर किसी कर्मचारी का नियोजन समाप्त किया जा रहा है किसी कारणवश से और नियोजन की समाप्ति के पश्चात जो बचा हुआ मज़दूरी है जिसके लिए वह कर्मचारी योग्य है जिसको पाने के लिए वह हकदार है तो ऐसी स्थिति में स्पष्ट प्रावधान इस इस अधिनियम में यह किया गया है कि ऐसी स्थिति में दूसरे दिन नियोजन के समाप्त होने के दूसरे दिन तक उसका भुगतान कर दिया जाना चाहिए चूंकि यह एक आपवादिक परिस्थिति है तब इसलिए यहाँ पर सात दिन या दस दिन का समय नहीं दिया गया है यहाँ पर केवल दूसरे दिन भुगतान करने की आवश्यकता को ध्यान में रखा गया है इसके पश्चात जहाँ किसी प्रतिष्ठान में किसी व्यक्ति का रोजगार साप्ताहिक या अन्य मान्यता प्राप्त अवकाश के अलावा किसी अन्य कारण से प्रतिष्ठान बंद होने के कारण समाप्त हो जाता है तो उसके द्वारा अर्जित मजदूरी का भुगतान उस दिन से दूसरे दिन की समाप्ति से पहले किया जाएगा अगर ऐसा कोई नियोजन है जहाँ पर यह माना गया है कि प्रतिष्ठान के बंद होने पर या फिर साप्ताहिक आधार पर उसको जो मज़दूरी की अवधि है उसे पूरा माना जाएगा तो ऐसी स्थिति में उस मजदूरी की अवधि पूरा होने के उपरांत दूसरे दिन के अंदर उसकी मजदूरी का भुगतान हो जाना चाहिए और अंत में इस इस प्रावधान में जो विशिष्ट उपबंध किया गया है वह उपबंध है वेतन के सभी भुगतान कार्य दिवस पर किए जाएंगे किसी भी कर्मचारी को वेतन छुट्टी के दिन नहीं किया जाएगा सामान्य सी धारणा यह है कि जो छुट्टी की संकल्पना है यह भी सामाजिक सुरक्षा की एक संकल्पना है छुट्टी की संकल्पना या छुट्टी का जो प्रावधान है यह प्रावधान कर्मचारियों के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है अगर कोई कर्मचारी निरंतर कार्य करता रहेगा उसे आ, छुट्टी नहीं मिलती है और, और वह आराम नहीं कर पाता है तो इसका उसके स्वास्थ्य पर एक प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने के पश्चात उसे आर्थिक बोझ उठाना पड़ सकता है अपने स्वास्थ्य के उपचार हेतु तो। ऐसी स्थिति में छुट्टी के दिन अगर कर्मचारी बुलाए और और कहे कि इस दिन उसे मजदूरी का भुगतान किया जाना है तो ऐसी चीज़ों को यहाँ पर प्रतिसिद्ध किया गया है अधिनियम के लागू होने के समय यह भी एक, एक एक सच्चाई थी कि नियोक्ता हमेशा अपने कर्मचारी को छुट्टी के दिन मजदूरी का भुगतान किए जाने के बहाने बुलाता था और उस दिन भी वह कुछ कार्य के घंटों में उन्हें शामिल करके काम कराता था तो यहाँ पर दो तरह से हानि होती थी कर्मचारियों को एक तो छुट्टी के दिन उन्हें काम करना पड़ रहा है और दूसरी छुट्टी के दिन उनको आराम करने को नहीं मिल रहा है जिसका एक प्रतिकूल प्रभाव उनके स्वास्थ्य पर पड़ता है तो ऐसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर स्पष्ट प्रावधान बनाया गया है कि, कि किसी भी वेतन का भुगतान केवल और केवल कार्य दिवस पर किया जाएगा अब इसके पश्चात हमें यह जानना आवश्यक हो गया कि वह कौन कौन सी कटौतियाँ हैं जिनको वैधानिक दर्जा प्राप्त है जिसके लिए किसी नियोक्ता को प्राधिकार है कि वह ऐसी कटौतियाँ मजदूरी के भुगतान से पूर्व कर सकता है इसके लिए प्रावधान यह किया गया है कि किसी नियोजित व्यक्ति का वेतन उसे इस अधिनियम द्वारा या इसके तहत अधिकृत कटौती के अलावा किसी भी प्रकार की कटौती के बिना भुगतान किया जाएगा अर्थात जब भी किसी कर्मचारी की मजदूरी का भुगतान किया जा रहा है तो ऐसे भुगतान के दौरान केवल प्राधिकृत कटौतियों को ही किया जा सकता है जो कटौतियाँ इस अधिनियम के तहत प्राधिकृत नहीं हैं उन्हें अपराधिकृत कटौतियाँ मानी जाएंगी, और अप्राधिकृत कटौतियों को करने के लिए नियोक्ता को अनुमति नहीं है अब यहाँ पर सामान्य सा प्रश्न यह उठता है कि कटौती क्या है तो यहाँ पर आ, प्रावधान किया गया है कि नियोजित व्यक्ति द्वारा नियोक्ता या उसके एजेंट को किया जाने वाला प्रत्येक भुगतान इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए मजदूरी से कटौती माना जाएगा जैसे मान लीजिए अगर किसी कर्मचारी का एक एक, एक, एक मजदूरी निश्चित कर दिया गया है और उसे एक निश्चित राशि मिलनी है और जब एक, मजदूरी की अवधि समाप्त हो जाती है और उसको जब राशि दी जाती है तो वह राशि निश्चित राशि से कुछ कम राशि दी जाती है वहाँ पर एक कटौती उसे प्रदान किए जाने वाले आवास के नाम पर काट ली जाती है तो ऐसे हर एक कटौती को यहाँ पर कटौती की श्रेणी में रखा गया है जो कि मजदूरी की एक भाग के रूप में नियोक्ता के द्वारा अपने पास रख लिया जाता है माना यह जाता है कि ऐसी स्थिति में नियोजित व्यक्ति द्वारा कर्मचारी द्वारा नियोक्ता को पेमेंट किया जा रहा है वास्तव में होता यह है कि ऐसी कटौती करने के उपरांत नियोक्ता कर्मचारी को उसकी मजदूरी का भुगतान करता है नियोजित व्यक्ति पर निम्नलिखित में से कोई भी जुर्माना लगाने से होने वाली मजदूरी की हानि वेतन से कटौती नहीं मानी जाएगी यहाँ पर तीन बातों की चर्चा की गई है पहला है वेतन वृद्धि या पदोन्नति रोकना अगर किसी कर्मचारी की वेतन वृद्धि को रोक दिया गया है या फिर उसकी पदोन्नति को रोक दिया गया है या फिर निचले पद पर या फिर समय पर उस उसे निचले पद पर समायोजित कर दिया गया है या फिर समय मान में कटौती कर दी गई है या फिर उसका निलंबन कर दिया गया है इन तीनों परिस्थितियों में जो कर्मचारी है उसको एक उसके लिए निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी का भुगतान किया जाता है तो ऐसे में प्रश्न उठता है कि क्या इसे कटौती माना जाएगा तो यहाँ पर यह स्पष्ट किया गया है कि नियोजित व्यक्ति पर निम्नलिखित में से कोई भी जुर्माना लगाने से होने वाली मजदूरी की हानि वेतन से कटौती नहीं मानी जाएगी तो प्रश्न ये उठता है कि कटौती क्या है और प्राधिकृत कटौती का का उपबंध कहाँ दिया गया है अगर हम अधिनियम के तहत प्राधिकृत कटौतियों की बात करें तो दो धारा सात में अधिनियम के अधीन प्राधिकृत कटौतियों की चर्चा की गई है यह वो कटौतियाँ हैं जिसे करने के लिए नियोक्ता को आ, आ, प्राधिकार प्राप्त है अगर हम इस कटौतियों की बात करें तो इसमें सबसे पहली कटौती आती है जुर्माने की अगर किसी उद्योग में किसी व्यवसाय में नियोजन में यह शर्त है कि अगर कोई कर्मचारी देर से आता है और या फिर वह कोई अनुशासनहीन कार्य करता है और ऐसी स्थिति में यह नियम है कि उस कर्मचारी के ऊपर कोई जुर्माना अधिरोपित किया जाएगा तो उस जुर्माने को कटौती के रूप में उसकी मजदूरी से काट लिया जाना एक प्राधिकृत कटौती माना गया है अर्थात जुर्माने की कटौती करने के लिए नियोक्ता प्राधिकृत है इसके पश्चात अगर हम देखें तो अगर कोई कर्मचारी अपने काम से अनुपस्थित रहता है हम सभी जानते हैं कि किसी कर्मचारी को जो पारिश्रमिक प्राप्त होता है वह पारिश्रमिक कार्य करने के उपरांत प्राप्त होता है अगर कोई कर्मचारी अपने काम के घंटों के दौरान अपने कार्यस्थल पर उपस्थित नहीं होता है अपने कार्य का निष्पादन नहीं करता है जिसके फलस्वरूप उसकी न्यूनतम मजदूरी जो एक महीने के लिए निर्धारित की गई है और एक दिन अनुपस्थित रहने के लिए उसमें कटौती की जाती है तो ऐसी कटौती के लिए नियोक्ता को प्राधिकृत किया गया है नियोक्ता कर्मचारी के मजदूरी से ऐसी कटौती कर सकता है इसके पश्चात अगर किसी कर्मचारी की लापरवाही से जो नियोक्ता की संपत्ति है इसी उद्योग की उस संपत्ति की क्षति होती है या वो खो जाता है तो और यह पाया जाता है कि ऐसा खोना संपत्ति का ऐसा खोना या उसे ऐसी क्षति होना किसी एक नियोक्ता किसी एक कर्मचारी के कारण हुआ है जिसे यह कर्तव्य अधिरोपित किया गया था कि वह उस संपत्ति की देखभाल करेगा या फिर उसको सुरक्षित रखेगा तो ऐसी स्थिति में उस संपत्ति के खोने या फिर उसे कोई नुकसान होने पर उस नुकसान की जो भरपाई है उस भरपाई के लिए नियोक्ता को यह प्राधिकृत किया गया है कि वह कर्मचारी उस पर्टिकुलर कर्मचारी के मजदूरी से ऐसी कटौती कर सकता है इसके पश्चात अगर हम देखें तो नियोक्ता के द्वारा प्रदान की गई आवास हेतु तो कटौती अगर नियोक्ता के द्वारा अपने कर्मचारी को कोई को आवास की सुविधा प्रदान की गई है और उस आवास की सुविधा के बदले में यह उपबंध किया गया है कि जो आवास की सुविधा का मूल्य है यह मूल्य कर्मचारी के मजदूरी से काट लिया जाएगा तो ऐसी कटौती को करने के लिए नियोक्ता को प्राधिकृत किया गया है और ऐसी कटौती एक प्राधिकृत कटौती की श्रेणी में आती है इसके पश्चात नियोक्ता के द्वारा प्रदान की गई अन्य सुविधाएं अगर नियोक्ता अपने कर्मचारियों को अन्य विशिष्ट सुविधाएं प्रदान करता है जिसमें पानी की सप्लाई की सुविधा या फिर यातायात की सुविधा या फिर चिकित्सा की सुविधा या फिर टेलीफोन की सुविधा हो सकती है अगर ये सुविधाएं नियोक्ता के द्वारा कर्मचारियों को प्रदान की गई हैं तो ऐसी सुविधाओं को प्रदान करने में जो लागत लगी है उसका मूल्य कर्मचारी की मजदूरी से नियोक्ता के द्वारा कटौती किया जा सकता है अर्थात ऐसी भी कटौती एक प्राधिकृत कटौती है जिसको करने के लिए नियोक्ता को सक्षम माना गया है उसको प्राधिकृत माना गया है इसके पश्चात हम यह देखते हैं कि किसी विशिष्ट परिस्थिति में किसी एक उद्योग में या फिर आ, 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 किसी नियोजन में आ, किसी कर्मचारी को अग्रिम भुगतान की आवश्यकता है किसी विशिष्ट खर्चे को पूरा करने के लिए आ, किसी कर्मचारी को अग्रिम भुगतान की आवश्यकता है और वह अपने नियोक्ता से अग्रिम भुगतान का एक एक रिक्वेस्ट करता है एक मांग करता है और नियोक्ता के द्वारा अग्रिम भुगतान दे दिया जाता है अगर नियोक्ता के द्वारा अपने कर्मचारी को अग्रिम भुगतान किया जाता है तो ऐसी स्थिति में नियोक्ता आगे समय आने वाले समय में कर्मचारी को प्रदान किए जाने वाले मजदूरी से उसकी कटौती करता है और उस कटौती को करने के लिए नियोक्ता को प्राधिकृत माना गया है ऐसी किसी कटौती को अपराधिकृत नहीं माना गया है या कोई अवैध कटौती नहीं है या एक वैध कटौती है या एक प्राधिकृत कटौती है अधिनियम के अधीन जो अन्य प्राधिकृत कटौतियाँ हैं उसमें लोक कल्याणकारी योजनाओं के अधीन ऋण के भुगतान है तो कटौती अगर नियोक्ता के द्वारा कोई लोक कल्याणकारी नीति बनाई गई है और उस नीति के तहत कोई एक मुश्त भुगतान किया जा रहा है कर्मचारी को उसके आर्थिक खर्चों के लिए उसके पारिवारिक खर्चों के लिए हो सकता है बच्चे की शिक्षा के लिए या किसी के स्वास्थ्य के लिए उसे खर्च करना है और उसके तहत उसे एक मुस्त राशि प्रदान की जाती है जो ऋण के रूप में प्रदान की जाती है तो उसकी भरपाई के लिए नियोक्ता को यह प्राधिकार प्राप्त है कि आने वाले समय में वह कर्मचारी को प्रदान किए जाने वाले मजदूरी से इसकी कटौती कर सकता है इसके पश्चात अगर हम देखें तो अगर आ, किसी कर्मचारी को आवास बनाने आ, आ, की आवश्यकता है वह अपना आवास बनाना चाहता है और नियोजन की शर्तों के अधीन उसे आवास बनाने के लिए उसके नियोक्ता के द्वारा ऋण का भुगतान किया गया है तो ऐसे ऋण के भुगतान की भरपाई के लिए नियोक्ता को यह प्राधिकार प्राप्त है कि वह अपने कर्मचारी के जो जो मजदूरी है उस मजदूरी से ऐसी कटौती कर सकता है इसके पश्चात आयकर के भुगतान हेतु तो कटौती हम सभी जानते हैं कि कर्मचारियों को जो आय हो रही है उस पर कोई कर्मचारी आयकर के भुगतान के लिए जिम्मेदार हो सकता है और आयकर के लिए अगर कोई कर्मचारी भुगतान के लिए जिम्मेदार है तो ऐसी स्थिति में उस आयकर का भुगतान उस कर्मचारी की ओर से नियोक्ता के द्वारा किया जाना आवश्यक है ऐसी स्थिति में जब तक नियोक्ता को किसी कर्मचारी के जो कि आयकर के अधीन है उसे भुगतान करने है, तो उसकी मजदूरी से कटौती करने का प्राधिकार प्राप्त नहीं होगा तब तक नियोक्ता आयकर का भुगतान किसी कर्मचारी के संदर्भ में नहीं कर पाएगा अतः आयकर के लिए आय आयकर के भुगतान के लिए कटौती को भी एक प्राधिकृत कटौती माना गया है न्यायालय के अधीन न्यायालय के आदेश के अधीन कोई कटौती उसे भी एक प्राधिकृत कटौती मानी गई है भविष्य निधि में योगदान हेतु कोई कटौती की जाती है इस कटौती को भी एक प्राधिकृत कटौती मानी गई है सहकारी समितियों को भुगतान के लिए कटौती को भी प्राधिकृत कटौती मानी गई है जीवन बीमा पॉलिसी पर किसी भी प्रीमियम के भुगतान के लिए जी कटौती है इसको भी एक प्राधिकृत कटौती माना गया है और नियोक्ता या पंजीकृत ट्रेड यूनियन द्वारा गठित किसी फंड में उसके योगदान के भुगतान के लिए की गई कटौती को भी प्राधिकृत कटौती माना गया है इस अधिनियम में प्राधिकृत कटौतियों का एक एक विस्तृत सूची दी गई है जिसमें यह बताने का प्रयास किया गया है कि कौन कौन सी कटौतियां हैं जो प्राधिकृत हैं और इन कटौतियों को करने के लिए नियोक्ता को प्राधिकार प्राप्त है इन कटौतियों में ट्रेड यूनियन की सदस्यता के लिए दिए जाने वाले फी या फिर फिडेलिटी ग्रांटी ब्रांड के लिए दिए जाने वाले प्रीमियर नियोजित व्यक्ति द्वारा अगर अगर नकली सिक्के स्वीकार किए जाने से अगर नियोक्ता को हानि होती है तो उसके लिए भुगतान हेतु या फिर यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में योगदान हेतु जो कटौती की जाती है इस कटौती को एक प्राधिकृत कटौती माना गया है इन कटौतियों की प्रकृति यह है कि इसके लिए नियोक्ता को प्राधिकार प्राप्त है और नियोक्ता ऐसी कटौतियों को करने के लिए सक्षम है और वह ऐसी कटौतियों को करने के उपरांत ही कर्मचारी को मजदूरी का भुगतान करता है रजिस्टरों और अभिलेखों का रखरखाव प्रत्येक नियोक्ता को उसके द्वारा धारा तेरह ए के तहत नियोजित व्यक्तियों का विवरण उसके द्वारा किए गए कार्य उन्हें भुगतान की गई मजदूरी उनके वेतन से की गई कटौती उसके द्वारा दी गई रसीदों और अन्य विवरण को रजिस्टर में रिकॉर्ड करना आवश्यक है जिससे यह पता चल सके कि नियोक्ता ने कौन कौन से कटौतियाँ की हैं या कब भुगतान किया है प्रत्येक रजिस्टर और रिकॉर्ड को उसमें की गई अंतिम प्रविष्टि की तारीख के बाद तीन साल की अवधि के लिए संरक्षित किया जाएगा ऐसी प्रविष्टि कम से कम तीन साल तक नियोक्ता के पास सुरक्षित रखी जाएंगी कटौती या भुगतान में देरी से उत्पन्न दावे वेतन से कटौती या वेतन के भुगतान में जो देरी से उत्पन्न दावे हो रहे हैं उसमें दुर्भावनापूर्ण या परेशान करने वाले दावों के लिए जुर्माने का प्रावधान किया गया है एक नियुक्त प्राधिकारी किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र के लिए वेतन की कटौती से या उस क्षेत्र में नियोजित व्यक्तियों की मजदूरी के भुगतान में देरी से या उत्पन्न होने वाले दावे को सुनेगा और उस पर निर्णय लेगा अर्थात मजदूरी के भुगतान से उत्पन्न होने वाले जो विवाद हैं उस विवाद को निपटाने के लिए एक प्राधिकारी नियुक्त किया गया है और वह प्राधिकारी अपना निर्णय लेगा इस व्याख्यान के अंत में हम यह देखते हैं कि हमने इस इस व्याख्यान में मजदूरी के भुगतान को विनियमित करने की आवश्यकता क्या है और कैसे इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए मजदूरी भुगतान अधिनियम में प्रावधान किया गया है इस पर चर्चा किया हमने इस अधिनियम के तहत मजदूरी की परिभाषा को जाना तत्पश्चात हमने मजदूरी के भुगतान के लिए उत्तरदायित्व के निर्धारण की प्रावधान को समझा कौन इसके लिए उत्तरदायी है हमने इस व्याख्यान में मजदूरी के अवधि के निर्धारण को जाना कैसे मजदूरी का अवधि के अवधि को निर्धारित किया जाता है और उस अवधि के लिए कोई नियोक्ता कर्मचारी को मजदूरी का भुगतान करने के दायित्व के अधीन होता है हमने इस व्याख्यान में मजदूरी के भुगतान के समय को जाना जो एक महत्वपूर्ण बिंदु है किसी कर्मचारी को कब भुगतान किया जाएगा वह समय सुनिश्चित किया गया है उस समय के अनुसार ही मजदूरी का भुगतान किया जाना चाहिए इस इस व्याख्यान में हमने उन कटौतियों को भी जाना जिन्हें वैधानिक कटौती की श्रेणी में रखा गया है और इन वैधानिक कटौतियों को करने के लिए नियोक्ता को एक प्राधिकार प्राप्त है इस अधिनियम के तहत अंत में हमने कटौती या दे उसके भुगतान की देरी से उत्पन्न होने वाले दावे के निपटारे की जो विधि या उसके लिए जो सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किया जाता है उसके बारे में हमने चर्चा की इस तरह हम देखते हैं कि इस अधिनियम में मजदूरी के भुगतान को विनियमित किया जाता है और उस विनियमन के माध्यम से अपराधिकृत कटौतियों को प्रतिबंधित किया जाता है किसी भी कर्मचारी के संदर्भ में इस कर्मचारी को निश्चित समय पर मज़दूरी के भुगतान किया जाना मजदूरी का भुगतान किया जाना और 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 निश्चित राशि का भुगतान किया जाना सामाजिक सुरक्षा के दृष्टि से एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपबंध है धन्यवाद